हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद। जेके सर की तरफ से आप सबका इस सेशन में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम टाइम जया ना करके अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ये आपको कारक चिन्ह बताना है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें कारक चिन्ह बताना है आपको। करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण। कुर्सी पर, में पर, यह आपका अधिकरण हो गया। अलादीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। आलपीन और गमला, तो आलपीन और गमला दोनों शब्द आपके पुर्तगाली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट, अनिष्ट, छल, निश्चल, उत्कर्ष, निकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, निकर्ष नहीं होता है, अपकर्ष होता है। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक, निश्चय बोधक। खेलती कूदती रहती है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। तो सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मेजर कालसी क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी। आज ही कॉल करें। विशेषताएं हैं, रिटेन, मेडिकल कैंप, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश, स्टडी मटेरियल्स एंड डाउट काउंटर्स। और लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए आज ही कॉल करें 9696330033 पर और इसका बेहतरीन लाभ उठाएं। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, 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 दो दो शब्द इसमें आपको सही दिख रहा है, तो यह भी सही है, यह भी सही है। इसका मतलब कि एक गलत इसमें छाप दिया गया। जो भी हो, आपको यह भी सही है, इसमें यह भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कोई एक गलत होना चाहिए था, इसमें नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, घ, अक्त और भ। ये गलत यहां भी छप गया है, ये आपका होगा इसमें ये, जो ये अमानक वर्ण है। अब इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता है, बल्कि इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें आंसर आपका सी होगा। पढ़े फारसी, बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, का अर्थ है शिक्षित होकर बेकार बैठना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना। फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना ही पड़ता है। बी आंसर होगा बेटा, कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना पड़ता है। नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। नई जमीन तोड़ना, ये अनूठा प्रयोग होता है बेटा, इसका आंसर अनूठा प्रयोग होगा। एमकेसी लर्निंग ऐप सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी ऑफिसर, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी। ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर, और आज ही कॉल करें 9696330033 पर और इसका बेहतरीन उपयोग करें अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। कृष्णा द्रौपदी को कहा जाता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। कवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। देखो कवर्त का केवट होता है, यही तद्भव रूप होता है, क्या कवर्त का केवट। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, कहलाते हैं तत्सम, तद्भव। संस्कृत निष्ठ शब्द ही आपको तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी ज्यों का त्यों हम उसको रख देते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला लहंचु, ये पृथ्वीराज रासो, आला उदल। देखो बेटा, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जिसे लिखा था चंद्र बरदाई ने।
तो पृथ्वीराज दासो को माना जाता है। क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम बुक्स जो बनाए फौजी विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक्स 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है। रेलवे यूपीपी के लिए, सामान्य अभियान अग्निवीर आर्मी जीडी के लिए, रीजनिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज एसएससी जीडी के लिए। तो आप ऑर्डर कीजिए आज ही और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामी, अनामिका, अनामिका, अनामिका। ये आपका डी होगा, अनामिका कहा जाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किम कर्तव्य विमूढ़, द्विविधा ग्रस्त। तो इसमें आपका होता है किम कर्तव्य विमूढ़, की कर्तव्य विमूढ़ होता है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चश्मा, चषक, चस्क, चषक, ये चषक होता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा के लिए एक शब्द है दुर्तिक्रम, दुर्दिगम, दुर्भिसंधि, दुर्वियोजन। दुर्भिसंधि कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा को कहा जाता है दुर्भिसंधि। अब हर घर में होगा फौजी ऑफिसर एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप, बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इनरोल टुडे एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड। और इसके लिए कॉल करें 9696330033 पर और व्हाट्सएप करें 9696220022 पर। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, इसका मतलब कि इसमें बताना है कि कौन सा सही है। उत्तुंग, 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 ये आपका सी होगा। हिंदी की स ध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। तालु से इसका उच्चारण होता है तालव्य है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकलने पर लकीर पिटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुभ गई खेत। और उपयुक्त सभी, पानी पीकर जात पूछना, कार्य करने के बाद ये उसके बारे में जांच करने का करना। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पौनास, सिंदूर। उरग भी होता है, पौनास भी होता है, सिंदूर भी होता है, सरीसृप नहीं होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, मित्रों को दिखलाएं और ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।